हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि कुछ चीज़ें मैं कोडिंग कर रहा था तो मुझे प्रॉब्लम फेस हो रही थी। काफ़ी सारे वीडियोस और ऑनलाइन मैं गया तो बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद मुझे फाइनली ये एक प्रॉब्लम जो कि सॉल्व हुआ है। एक्चुअली पीएचपी में क्या होता है, रिसेंटली लोग ईमेल के थ्रू एक लिंक जब पास होती है, ईमेल में आती है, तो उसके थ्रू हम लोग अपने पासवर्ड को रीसेट करने का ऑप्शन होता है पीएचपी में, हम लोग करते हैं। तो बहुत सारे वीडियोस और ऑनलाइन के बाद काफ़ी 2-3 दिन मुझे लगते हैं इसको सॉल्व करने में, तो मैं आपके पास एक लेकर आया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि फॉरगेट पासवर्ड, जैसे कि मान लीजिए किसी ने कोई पासवर्ड भूल गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपना यहाँ ईमेल आईडी डालेगा। जैसे वो अगर ईमेल आईडी यहाँ से डालता है, तो ईमेल आईडी डालने के बाद एक मेल जो डालेगा उस पर उसे एक लिंक जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वो दिखा रहा है कि चेक योर ईमेल टू रीसेट पासवर्ड, तो मेरा मेल खुला हुआ है और मैं इसे थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। लेकिन नेट ऑफ हो चलो, ठीक है, तो इसे ओपन होने दीजिए। तो इस मेल पे आप देखिएगा, अभी 1:45 टाइम हो रहा है, 1:45 हो रहा है, तो एक मेल आया है, ठीक है। तो इस मेल पे एक लिंक मुझे मिला है। इस लिंक पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे ये एक विंडो पर रिडायरेक्ट करती है, और उसके यूआरएल में देख सकते हो एक टोकन पासवर्ड जिससे पता चलता है कि वो बंदा वही है। अब मुझे जो भी पासवर्ड रखना है, मान लीजिए 4545 एंड 4545, और मैं इसको इंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आता है पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये मेरा पासवर्ड क्या होता है, रीसेट सक्सेसफुली हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके फाइल पर ले जाता हूँ। ये पूरा फाइल है इसका कंप्लीट, जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और आपको कुछ चीज़ें ध्यान भी रखनी है। देखिए सबसे पहले तो आपका एक इंडेक्स फाइल बनता है, आपको ये बाकी ऊपर की कोई भी चीज़ें नहीं देखनी। मेन आपका ये नो एरर पासवर्ड रिकवरी जो देखें, यही आपका मेन। तो ये सारे फाइल मैं आपको जिप करके, आप कमेंट कर देना अपना नंबर या ईमेल आईडी, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका कॉस्ट सिर्फ 100 रुपीज़ है। आप मुझे 100 रुपीज़ प्रोवाइड कर देना, यानी स्क्रीनशॉट सेंड कर देना मेरे नंबर पे, मैं आपको इसका जिप करके दे दूंगा। और अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो मैं आपको एनएडीएस के थ्रू या कॉलिंग पे या व्हाट्सएप पे सॉल्व कर दूंगा उस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो देखिए होगा क्या, ये आपका कंप्लीट, मैंने इसके साथ एसक्यूएल भी अटैच कर दिया है, कुछ रिमेंबर में कुछ चीज़ें डाली हुई है जो आपको मस्ट करना ही करना है, कुछ चेंजेस करनी है। अदरवाइज क्या होता है, ईमेल नहीं जाते बहुत लोगों के, लोकल होस्ट के थ्रू जो हम लोग सेंड कर रहे हैं तो ईमेल नहीं जाता। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला चीज़ तो आप अनजिप करो, जो भी मैं प्रोवाइड करूँगा उसको अनजिप करके आपको एक फोल्डर बना लेना है, फोल्डर में सारे को अनजिप कर लेना है, ठीक। सबसे पहले आपको इंडेक्स जो फाइल है आपको ये खोलना है, ठीक है। इंडेक्स फाइल ये आपका खुल जाएगा, यहाँ से इसका कॉपी करके, पाथ को कॉपी करके यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। इसके बाद तो अगर आप लोग कोडिंग करते हो तो पता होगा, यहाँ से इसको लोकल होस्ट को हटाते हैं, सॉरी एचडी को हटाते हैं, लोकल होस्ट लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर क्या होता है, ईमेल आ जाता है, ईमेल आपको डालना रहता है। एक्चुअली ये ईमेल कैसे आया है, तो आप लोग सोच रहे हो कि अच्छा बंदा ने यही ईमेल क्यों डाला, और भी ईमेल हो सकती है ना। तो मैंने ना डाटा बेस बना के आपको दे दिया है एसक्यूएल का, देखो यहाँ पे। इसको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, इसको यहाँ से उठा करके आपका जो पीएचपी माय एडमिन होगा, यहाँ जा करके एक फॉरगेट पासवर्ड का डाटा बेस क्रिएट कर लेना दोस्त, ठीक है। यहाँ देखो मैंने क्रिएट किया है फॉरगेट पासवर्ड का डाटा बेस, जब क्रिएट कर लोगे नाम से तो इसमें इंपोर्ट में जा करके वो फाइल को कॉपी कर लेना, एंड कॉपी करके उसको गो कर देना, तो वो सारा फाइल इस तरह से बन के चला आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप टेबल देख सकते हो, 5 है, लेकिन आपके काम के बस ये 2 हैं, टेबल मेंबर और टेबल पासवर्ड रीसेट। टेबल मेंबर में
क्या होगा ना कि यहाँ पे आप जो मेल डालोगे, ये मेल कहाँ से फेच करेगा, कुछ चेक करेगा ना है या नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक मेल देना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप चुपचाप इंसर्ट लगा करके यहाँ पे इंसर्ट कर देना वैल्यू, जो भी मेल आपको, आपका जो मेल है जिस पे आपको रिसेट का लिंक चाहिए, वो आप यहाँ से इंटर कर लेना किसी तरह से। जैसे लॉग इन फॉर्म तो हम लोग बनाते हैं ना, सॉरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं ना, जिसमें हम लोग डाटा इंसर्ट कराते हैं, तो उस तरह कुछ क्रिएट कर लेना और यहाँ पे वैल्यू डाल देना। या फिर यहाँ से जा करके ये जब क्रिएट कर लो तो यहाँ से इंसर्ट पर जा करके आप ये सारे वैल्यू को डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ईमेल एकदम बिल्कुल करेक्ट डालना है, ये बहुत ज़रूरी पार्ट है। ईमेल जरूरी पार्ट है, यूज़र नेम सब कुछ करेक्ट डालना बिल्कुल ठीक है। आपको ये कॉन्टेक्ट से कोई मतलब नहीं है, सी पासवर्ड से मतलब नहीं है, टोकन स्टेटस से कोई मतलब नहीं। बस आपको क्या करना है, आईडी, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड क्रिएटेड ठीक है। वैसे अगर जो भी मैंने इसको दिया उसमें भी ये चीज़ अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें, बट आपको इससे कोडिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप ये डाल देना, देन जैसे ही आप यहाँ पे डालोगे तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड करोगे, आपको एक मेल यहाँ पे जस्ट लाइक आ जाएगा ठीक है। जब आप इसको क्लिक करते हो तो आपको इनवैलिड ये बता रहा है, इसलिए क्योंकि इसमें एक टाइम लगा हुआ है सवाल, अगर एक बार वो क्लिक हो जाता है तो अगली बार वो उसको इनवैलिड बताएगा ठीक। ये कोडिंग है इसलिए किया हुआ इस तरह का। तो ये पैनल खुलता है जब आप उस लिंक पर जाते हो, तो जैसे ही इस लिंक पर जाओगे तो पासवर्ड रिसेट करोगे तब काम हो जाएगा। और कुछ चीज़ें जो बाद में ध्यान रखनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपको यहाँ जाए कुछ चीज़ें चेंज करनी होती है, क्योंकि लोकल उससे मेल पास नहीं होता, तो आपको php.ini फाइल ओपन करना है, जो कि आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा चूँकि जैम्प जो है ना वो डी फोल्डर में है, तो डी में गए हैं, htdocs में गए हैं, php सॉरी php में गए। और php में देखिएगा कि php का एक फाइल होगा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा, वो आपको ओपन करना है। जैसे ये फाइल देख रहे हो, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको ओपन करना है, और ये फाइल मेरा यहाँ पर ऑलरेडी ओपन है ठीक है। अब इतना बड़ा कोड है, इसमें मुझे कुछ चीज़ें जिनके मेरे को पता ही नहीं चल रही क्या करना है, तो मैंने क्लियरली लिख दिया है कि आपको करना क्या है। आपको कंट्रोल एफ इंटर करके उसमें ये बिट पास कर देना। जैसे मैं आपको कॉपी करता हूँ, आपको दिखाता हूँ पास करके, यहाँ पर मैंने कंट्रोल एफ किया, मैंने इसको पास किया और मैंने इसको सर्च किया। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ आप की में, अगर ये सेम टू सेम तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको चेंज करो। आपको smtp.gmail.com करना है, कमेंट यहाँ नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना कोड आपका प्रायोरिटी से लिखा हुआ होना चाहिए, मस्ट है ओके। देन आपका कुछ gmail ID देना है, मतलब जिससे आपको मेल भेजना है उस कंसर्न पर्सन को जो इंटर करना है ना, तो वो देखते हैं कहाँ पे है, आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो यहाँ पे सेंड लिखा हुआ है, सेंड ईमेल, तो आपको यहाँ पे जो भी मैं इस ईमेल आईडी से भेज रहा हूँ, आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है ठीक है। ये पाथ आपको सेट करना है कि आपका जो पाथ है वो कहाँ पर है, एक्चुअली में जो सेंड ईमेल है वो कहाँ पर है। तो मेरा जो कि सब ऑब्वियसली सबका सीन होता है, लेकिन मेरा डी है तो इसलिए मैं यहाँ पे डी मुझे करना पड़ा, ये करना पड़ेगा। तो ये कर लेंगे, कदम तक इसका इतना ही काम था। फिर आपको जो सीन ईमेल करके एक फाइल होती है उसको भी ओपन करना है, तो उसको मैं दिखा देता हूँ आपको, इसी के नीचे ही जस्ट ये बहुत ही, इसमें भी आपको सेंड ईमेल का कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा, इसे भी ओपन कर लेना, जो कि मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। इसमें भी चीज़ें चेंज करनी है आपको, वही पहले सबसे पहले देखिए चीज़ पॉइंट करना, पॉइंट कर लो, पॉइंट करने के बाद चेंज कर लेना, पोर्ट चेंज कर लेना ठीक है। पोर्ट चेंज करने के बाद आपका क्या आ रहा है, कोचिंग में भी इसलिए सर, ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ों को ध्यान से देखना कि ये चीज़ें आपको सही से है या नहीं। ये कुछ नीचे नहीं होता है जैसे ये देख ना, मुझे भी पता नहीं था, मैंने भी काफ़ी वीडियो देखा रिसर्च के, देन हुआ। अगर आपको प्रॉब्लम आएगा ना तो बेझिझक आप मुझे मैसेज करना, कॉल अगर ना उठा पाऊँ तो मैसेज का रिप्लाई भी जरूर देना ठीक है। तो आप ये कर लेना, और आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड देना होता है ठीक है। ये आपका ईमेल आईडी है और ये पासवर्ड है, तो जो ईमेल आईडी आप दे रहे हो उसी का पासवर्ड आपको देना है ठीक है। तो ये मेरा पासवर्ड है, ये जिमेल है, पासवर्ड डालो मतलब अपना डालो, मेरा मन डालो ठीक है।
ये डालने के बाद फिर आपसे एक जगह और मांगता है, देख लेते हैं वहाँ पे मांगा। देखिए ऑप्शनल है ये वाला, से डाल ही देना, रिस्क लेना है, डाल दिया बस काम कंप्लीट, इतना हो जाएगा। इतना होने के बावजूद आप जो भी फाइल में दिया उसको सब अनजिप करो, अनजिप करने के बाद उसको इंडेक्स फाइल प्रदान करो, ऑन करने के बाद डाटाबेस क्रिएट कर लेना, डाटाबेस क्रिएट कर ही लेना, क्रिएट करने के बाद उसमें वैल्यू इंसर्ट करा लेना यहाँ से जाकर, ठीक है। ये मेल आई डी डाल देना जिससे उनको भेजना है, बाद में अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करके उसको वैल्यू को पास करते रहना। इसका भी एक एडवांस फॉर्म है, वो मैं बताऊँगा बाद में। ये होने के बाद आपको कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका कुछ तब भी वॉल्यूम मैसेज अगर शो करता है ना, तो आप जिस ईमेल आईडी से ईमेल सेंड करवा रहे हो उस कंसर्न पर्सन को, वहाँ पे जाकर उसका लेस सिक्योर ऐप जो होता है उसको ऑन करना होता है, उसको टर्न ऑन करना होता है, ठीक है। तो देखते हैं यहीं पे कहीं होता है, कोई बड़ा चीज नहीं है। जैसे कि मैं ये ठीक है, वहाँ से मैनेज पे चले जाना, मैनेज पे जाने के बाद, मैनेज पे जाने के बाद चलिए सिक्योरिटी में चले जाना। सिक्योरिटी में जब आप चले जाओगे ना, तो आपका यहाँ पे मैनेज डिवाइस, कि मैंने इस ईमेल आईडी से किया तो मैं चेक कर लेता हूँ कहीं से का हो। ये देखिए यहाँ पे ना दिस सिक्योर एप्स ऑन, तो इस चीज को थोड़ा देख लेना कि आपने ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। अब डेटाबेस में मेरा ये जीमेल का मैंने इंसर्ट कराया था, रजिस्ट्रेशन तो उन्होंने बनाया नहीं है, बट मैंने वहाँ पर इंसर्ट कराया था। जैसे मैं इसको जो पर्सन है वो अपना अगर ईमेल आईडी डालता है तो उस पर्सन को एक ईमेल जाएगा, ठीक है। उस पर्सन को एक ईमेल जाएगा, देखिए तुरंत आ गया ईमेल जाएगा, और ईमेल कहाँ से आ रहा है, ए नंबर से, ध्यान दिया मैंने ये डाला था, उसका पासवर्ड डालना बहुत जरूरी है। जैसे ही लिंक आएगा इस पर क्लिक करोगे तो आपसे यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, फिर से वो पासवर्ड डाल दे, पासवर्ड आप अलग अलग डालोगे ना तो पासवर्ड नॉट मैच हो जाएगा, ठीक है। पासवर्ड जैसे सक्सेसफुली फिर से अगर इस लिंक पे जब कोई बंदा मान लीजिए तो मैं देख लेता है वहाँ से करते कहीं कुछ करते नहीं होगा, क्योंकि वो बस एक बार ही वैलिडेट होता है, ठीक है। इस तरह से अगर कंप्लीट सोर्स कोड अवेलेबल है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपको ये नंबर ये था 9123 4850 4891, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज करो, मैं आपको सोर्स कोड जीप अनजीप सॉरी जीप करके फोटो गाइड कर दूंगा, एम कर दूंगा, बट आपको इसके लिए 100 रुपीज़ पेड करनी होगी, ठीक है। मुझे पे करके स्क्रीन शॉट भेज देना, मैं आपको तुरंत ही आपको चिपल दे दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और वीडियो को शेयर कर लीजिए जिनको भी चाहिए, क्योंकि मुझे काफ़ी परेशानी हुई थी इसको बनाने में, और जब ये बन चुका है तो एटलीस्ट मेरी इस थोड़ा सा जो मेहनत हुआ है उसके लिए मैं इतना तो डिजर्व करता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए बाय।